कोरोना की नई लहर और भी ज्यादा घातक नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में सामने आए नए मामलों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में मंगलवार को 1,15,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर 50,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, तो दिल्ली में नए आंकड़ों ने भी रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए देश के 6 राज्यों ने अपने कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। वहीं बात करें तो कोरोना के नए स्ट्रेन के ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को 300 नए मामले सामने आए हैं, सोमवार को 560 नए मामले सामने आए हैं और मंगलवार को 300 नए केस सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 3,800 हो गई थी। वहीं आज बुधवार की बात करें तो आज 200 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 3,800 से 4,000 हो गई है। जहां पहले 5 या 10 नए स्ट्रेन के सामने आ रहे थे, अब वो 400 से 500 से कम नहीं आ रहे, जो डराने वाली बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बुधवार को ये जानकारी दी। इनमें से हर मरीज को संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में अलग अलग कमरों में रखा गया है। उनके करीबी संपर्क में रहे लोगों को भी पृथक रखा गया है। संपर्क में आए सहयात्रियों, परिवार में संपर्क में आए लोगों और अन्य का पता लगाने की व्यापक स्तर पर कोशिश की जा रही है।